हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 18 सितंबर 2022 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग इसके साथ ही कुछ बहुत ही बड़ी रिलीज, इसके साथ ही आज होने वाले जर्सी लॉन्च इवेंट और T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम की साइड से हमें कल एक बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली थी। और उस अनाउंसमेंट पर गुजरात टाइटंस की टीम ने ये बता दिया था कि ये टीम शुभमन गिल को अब रिलीज करने वाली है। इन्होंने ट्वीट करके शुभमन गिल को बधाई दी थी उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, और उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल को वो आने वाले टाइम के लिए रिलीज करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद ही उनको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ गई अगला ट्वीट करके कि ऐसा कुछ भी नहीं है और गुजरात टाइटंस की टीम शुभमन गिल को रिलीज नहीं करने वाली। ये ट्वीट किसी और बारे में था। हालांकि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको ये बात पता ही नहीं थी, जिनको सिर्फ इतना ही पता था कि शुभमन गिल इनकी टीम से रिलीज हो चुके हैं, तो वही सारी न्यूज आपने भी सुनी होगी। लेकिन हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की टीम के द्वारा रिलीज नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर। कल हमने आपको बताया था कि इंपैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट हमें आईपीएल में भी देखने को मिलने वाला है, और बीसीसीआई ने भारत के डोमेस्टिक सर्किट में इसको लागू भी कर दिया है, जहां पर जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, क्योंकि वो हमें 20-20 ओवर के मुकाबले उसमें देखने को मिलते हैं, तो वहां से इसकी स्टार्टिंग आप सभी लोगों को होते हुए देखने को मिलेगी। दरअसल आप में से कुछ लोग चाहते थे कि इंपैक्ट प्लेयर के रूल के ऊपर आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंपैक्ट प्लेयर का रोल इस तरीके से रहने वाला है कि ये आप लोगों को 14 ओवर्स के बाद पिच पर आते हुए देखने को मिलेगा। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके थे कि जो इंपैक्ट प्लेयर होगा वो आपके इनिशियल प्लेइंग 11 में नहीं होगा, जिसका मतलब है कि जब 14 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ही इस प्लेयर को टीम में लाया जा सकता है एज ए सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद ये 14वें ओवर से लेकर पूरे 20 ओवर तक आप लोगों को मैच में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइस ये निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला T20 मुकाबला हम सभी लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाला है 20 तारीख को। उस मुकाबले से पहले ही भारत की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव होने के चलते मोहम्मद शमी इस पूरी की पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोहम्मद शमी के साथ जितने भी अब प्लेयर्स थे उन सभी को कोविड की टेस्टिंग में डाला जाएगा, और अगर उनमें से कोई और प्लेयर पॉजिटिव होता है तो फिर और भी ज्यादा दिक्कतें भारतीय टीम के लिए पड़ सकती हैं। फिलहाल शमी के रिगार्डिंग अपडेट यही है कि मोस्ट प्रोबेबली वो इस पूरी की पूरी सीरीज को स्किप करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी ये सीरीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, सिर्फ 3 ही मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सभी रीजंस के चलते, कोविड पॉजिटिव होने के चलते, मोहम्मद शमी आप लोगों को इससे बाहर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम का जर्सी लॉन्च इवेंट होना है, यानी कि आज भारत की टीम की जर्सी आप सभी लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी T20 वर्ल्ड कप की। तो पहले भी हमने आपको बता दिया था कि इसकी जो टाइमिंग है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, और आज शाम को 8 बजे से, यानी कि रात को 8 बजे आप लोगों को ये लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए कि आप लोग इस जर्सी लॉन्च इवेंट को कहां पर लाइव देख पाएंगे, तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हम लोग इस जर्सी को लॉन्च होते हुए दिखाएंगे। इसके साथ ही जैसे ही ये जर्सी लॉन्च हो जाएगी, हम वहाँ पर उसी टाइम पर इस जर्सी को अपलोड भी करने वाले हैं। तो अभी फटाफट आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको फ्री में लाइव दिखा पाएं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम एक के बाद एक लगातार काफी सारे चेंजेस करते हुए नजर आ रही है अपने कोचिंग स्टाफ में, और अब जाकर मुंबई इंडियंस की टीम के जितने भी कोचिंग स्टाफ है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के साथ साथ दुनिया भर की जितने भी T20 लीग होती है वहां पर भी हमें अपनी टीमों को उतारते हुए नजर आती है, तो ऐसे में अगर बारी बारी से बात की जाए तो सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस के जो ग्लोबल हेड है वो बना दिए गए हैं महिला जयवर्धन, यानी कि जहीर खान, यानी कि अब ये कोचिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर आकर एक तरीके से मुंबई इंडियंस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद अगर कोचिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आईपीएल में इनके हेड कोच हैं मार्क बाउचर, उनके साथ ही इनके बल्लेबाजी कोच है रॉबिन सिंह, बॉलिंग कोच हैं शेन बॉन्ड, और उनके साथ ही इनके फील्डिंग कोच हैं पेमेंट। इसके बाद अगर बात की जाए मिनी आईपीएल या फिर साउथ अफ्रीकन T20 लीग में, तो इनके बल्लेबाजी कोच हैं साइमन कैटिज, बैटिंग कोच हैं हाशिम अमला, बॉलिंग कोच अभी तक डिसाइड नहीं किए गए हैं, और फील्डिंग कोच वापस से हैं पेमेंट। इसके बाद अगर बात की जाए यूएई T20 लीग में, तो वहां पर इनके हेड कोच हैं शेन बॉन्ड, बल्लेबाजी कोच हैं पार्थिव पटेल, बॉलिंग कोच है विनय कुमार, और उनके साथ ही फील्डिंग कोच के तौर पर इन्होंने जेम्स फ्रैंकलिन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उनको अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। आगे
बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, जहां पर गाइस आरसीबी की टीम अपने नंबर 3 की पोजीशन के लिए पिछले काफी टाइम से एक सूटेबल बल्लेबाज को तलाश रही थी। और आईपीएल के लास्ट सीजन में हमने देखा था कि रजत पाटीदार वो प्लेयर थे जिन्होंने इस नंबर 3 की पोजीशन पर आरसीबी के ब्राइट फ्यूचर के संकेत दिए थे। और रजत पाटीदार ने जो वो नॉक खेला था, जो उनका 100 वाला नॉक था, उसके बाद काफी ज्यादा उनको उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आरसीबी की टीम के वो परमानेंट नंबर 3 बनेंगे। और अब रजत पाटीदार ने ऐसी बल्लेबाजी की है जिसके बाद आरसीबी की टीम में उनका रिटेन होना फाइनल हो चुका है। ना सिर्फ रिटेन बल्कि आरसीबी की टीम अब इनके प्राइस को बढ़ाकर इनको अपनी टीम में रिटेन करने वाली है। दरअसल इन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी 100 लगाया था, इसके साथ ही आईपीएल के एलिमिनेटर में एलएससी के खिलाफ 100 लगाया था, अपने इंडिया ए के तीसरे मैच में ही इन्होंने 100 लगाया था, इसके साथ ही इंडिया ए के डेब्यू मुकाबले में भी उससे पहले 100 लगा चुके हैं। तो ऐसे में लगातार काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और क्योंकि बहुत ही तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की टीम की नंबर 3 की जो खोज है वो रजत पाटीदार के रूप में कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग रजत पाटीदार को आरसीबी के परमानेंट नंबर 3 के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइस ये निकल कर आ रही है मिनी आईपीएल के ऑक्शन को लेकर। आज तो हमें T20 वर्ल्ड कप का जर्सी लॉन्च इवेंट लाइव देखने को मिलने वाला है, लेकिन कल आप लोगों को मिनी आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। तो दो काफी इंपॉर्टेंट जो दिन है क्रिकेट फैंस के लिए वो आने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो मिनी आईपीएल का ऑक्शन है ये 19 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप लोग इसको भी फ्री में लाइव देखना चाहते हैं तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम आपको इसको भी लाइव दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है संजू सैमसन की तरफ से, जहां पर गाइस संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह ना मिलने के बाद फैंस काफी ज्यादा नाराज थे। और इनके रिगार्डिंग अब जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज होने वाली है, उसका जो पहला मुकाबला होगा शायद 28 तारीख को मैच है, उस मुकाबले को संजू सैमसन के फैंस बॉयकॉट करने वाले हैं। और ये बॉयकॉट करने के लिए मैच को देखने के लिए पहले फील्ड के ऊपर जाने वाले हैं, यानी कि इस तरीके से जब मैच पर कैमरा इनके ऊपर फोकस होगा तो वहां पर शायद ये कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे बीसीसीआई को ये मैसेज भेजने वाले हैं कि संजू सैमसन को टीम में शामिल ना करके उन्होंने बड़ी गलती की है। खैर इसके साथ ही संजू सैमसन ने खुद भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक को उनसे ऊपर क्यों चूज किया गया। तो उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक भारत की टीम से ही खेलते हैं और ऐसे में जब उनको ऐसा कंपेयर किया जाता है कि आप इनकी जगह पर टीम में आ जाओ तो वो अपनी ही टीम के मेंबर्स के साथ कंपीट नहीं करना चाहते। यानी कि संजू सैमसन जो काफी शांत एक इंसान है, हम सभी लोग जानते हैं कितने अच्छे वो इंसान है, एक बार फिर से उन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्सी को यहीं पर खत्म कर दिया है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।